हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर कौर पीतियर तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर शेयर कैपिटल दैट इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि कैपिटल को कैसे रिड्यूस किया जाता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल और उसकी क्या प्रोविजन होती है बच्चे ये कवर होता है सेक्शन सिक्सटी के अंदर देखो जो कैपिटल होती है ये एक सिक्योरिटी होती है फॉर द क्रेडिटर्स जिसके ऊपर क्रेडिटर्स रिलाई करते हैं कि हाँ कंपनी की इतनी कैपिटल है तो कोई बात नहीं हमारा पैसा डूबेगा नहीं सूनर और लेटर वो पैसा हमें मिल जाएगा तो कैपिटल को रिड्यूस करना इतना इजी नहीं होता ठीक है कैपिटल कैसे रिड्यूस की जा सकती है तब तक रिड्यूस नहीं की जा सकती जब तक सेक्शन 66 की फॉर्मेलिटीज को फुलफिल ना किया जाए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ठीक है अच्छा रीजन क्या हो सकते हैं रिड्यूस करने के कैपिटल को रिड्यूस करने के पहला हो सकता है कि कंपनी के पास मोर देन इनफ कैपिटल हो चुकी है उसकी नीड्स से बियॉन्ड कैपिटल है उसके पास तो तब वो कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है दूसरा हो सकता है कि पेड अप कैपिटल जितनी उसके पास आ चुकी है वो अब सफिशियंट है और वो जो अनपेड पोर्शन है उसे रिफ्यूज कर रही है वो उसे कॉल अप नहीं करेगी लेट इस टेक एन एग्जाम्पल कि एक शेयर है जो टेन रुपीज का है ठीक है कंपनी ने अभी तक उसके ऊपर एट रुपीज ही मंगवाए हैं वो क्या हो गई कॉल अप कैपिटल भी हो गई और पेड अप भी हो गई कि जितने लोगों ने उसके ऊपर आठ रुपए पे कर दिए वो पेड अप कैपिटल हो गई अच्छा अब जितनी भी टोटल अमाउंट उसकी बनी पेड अप कैपिटल की वो कंपनी के लिए सफिशियंट है और वो जो बचे हुए टू रुपीज है वो अब मंगवा नहीं रही और वो टू रुपीज से रिड्यूस कर देती है और अनपेड पोर्शन को वो नहीं मंगवाती ठीक है ये रीजन हो सकता है कि पेड़ अप कैपिटल सफिशियंट है या फिर लास्ट रीजन होता है कि कैपिटल जो है वो डिमिनिश हो गई या लॉस्ट हो गई मतलब शेयर जो पहले हंड्रेड रुपीज का था वो अब सिर्फ फिफ्टी रुपीज का रह गया ठीक है मतलब वो राइट ऑफ करनी पड़ती है फिर तो राइट ऑफ जब करनी है लॉस्ट कैपिटल तब भी वो क्या करेगी रिड्यूस कर देगी कैपिटल को अब ध्यान से देखिए एक बात कि अगर पहले और दूसरे पॉइंट की रिडक्शन की बात करें पहला पॉइंट कौन सा था कि उसके पास सफिशियंट फंड है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए दूसरा था कि पेड अप कैपिटल उसके पास सफिशियंट है तो अगर इन दो केसेस में वो कैपिटल को रिड्यूस करती है तो वो उसका रिजल्ट क्या होगा क्रेडिटर्स के लिए फंड्स रिड्यूस हो जाएंगे पहले दो पॉइंट का रिजल्ट क्या होगा कि क्रेडिटर्स के लिए फंड्स रिड्यूस हो जाएंगे शेयर होल्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पहले दो पॉइंट्स में लेकिन जो तीसरा पॉइंट है जहां पे राइट ऑफ करते हैं शेयर्स को ठीक है जिस जिस शेयर की वैल्यू पहले हंड्रेड थी अब फिफ्टी रह गई राइट ऑफ कर रहे हैं वहां पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स इफेक्ट हो जाते हैं कैसे सोचो खुद ही सोचो पहले अगर मेरे शेयर की वैल्यू हंड्रेड थी अब उसकी फिफ्टी रह गई तो मेरा मेरे पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा ठीक है क्योंकि शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या फायदा फिर ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट इफेक्ट हो जाते हैं और तो और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे कंपनी में मतलब पहले मैं बहुत खुश थी इस कंपनी का शेयर हंड्रेड रुपीज का है मैंने इसी कंपनी में पैसा लगाना है मेरे को रिटर्न ज्यादा मिलेगी लेकिन अब उसका जो शेयर हंड्रेड का था वो फिफ्टी का रह गया तो मेरे डिसीजन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा हो सकता है अब मैं अपना डिसीजन चेंज कर लू की इसकी तो वैसे ही डिक्लाइन जा रही है वैल्यू तो मैंने इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना ठीक है तो थर्ड पॉइंट ये इफेक्ट्स लेके आता है अच्छा इफेक्ट्स ऑफ रिडक्शन में भी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स मतलब दो तरीके से रिड्यूस करते हैं कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें ट्रिब्यूनल uh, का कंसेंट नहीं लेना पड़ता लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमें ट्रिब्यूनल का कंसेंट लेना पड़ता है ठीक है अब हम देखेंगे रिडक्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल तो जहां पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन फिफ्टी तो वहां पे ट्रिब्यूनल का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपको क्लियर है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वापस ले लेती है कंपनी रिडीम कर लेती है ठीक है तो उन शेयर्स को रिडीम करने के टाइम पे ट्रिब्यूनल की कंसेंट की जरूरत नहीं है जहां पे कंपनी अन इशूड शेयर्स को कैंसिल कर रही है जो शेयर अभी इशू ही नहीं करे पड़े हैं कंपनी के पास लेकिन इशू नहीं करे उनको अगर कैंसिल कर रही है तब भी ट्रिब्यूनल की कंसेंट की जरूरत नहीं है जहां पे शेयर फोर फीट किए जा रहे हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स की एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मान लो टेन रुपीज का शेयर है पहले मैंने शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन मनी दो रुपए पे कर दी कर दी ठीक है फिर अलॉटमेंट के टाइम पे थ्री रुपीज कॉल करे वो भी मैंने पे कर दिए फिर कंपनी ने कॉल करा कि फर्स्ट कॉल पे करो टू रुपीज की तो वो मैंने पे नहीं करी ठीक है मैंने पे नहीं करी और चलते गए चलते गए फिर आ गई सेकेंड कॉल का टाइम आ गया सेकेंड कॉल जो लास्ट बचे हुए थ्री रुपीस थे फिर कंपनी ने वो कॉल कर लिए मैंने अभी तक पिछले रुपए भी मेरे एरियर में चल रहे हैं मैंने पे नहीं करे तो अगर फाइनल कॉल भी मैं पे नहीं करती तो हो सकता है कि कंपनी मेरे शेयर्स फोरफीड कर ले मेरे से वापस ले ले फॉर नॉन पेमेंट ठीक है तो इस केस में भी ट्रिब्यूनल के कंसेंट की जरूरत नहीं है और जहां पे बंदा खुद ही सरेंडर कर रहा है अपने शेयर्स या फिर गिफ्ट के तौर पे दे रहा है कंपनी को कंपनी के ही शेयर्स मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए थे अब मैं सेटिस्फाई नहीं हूं या कोई भी रीजन हो सकता है मैं सरेंडर कर रही हूँ कि अपने शेयर्स आप वापस ले लो या मैं गिफ्ट के तौर पर कंपनी को कंपनी के शेयर्स दे रही हूँ तो यहाँ पे कैपिटल रिड्यूस हो रही है लेकिन ट्रिब्यूनल के कंसेंट की जरूरत नहीं है ठीक है अब जहां पे कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेज करती है अंडर सेक्शन सिक्सटी एट ठीक है तो वहां पे भी ट्रिब्यूनल के कंसेंट की जरूरत नहीं है और जहां पे ट्रिब्यूनल ने ही ऑर्डर दे दिया अंडर सेक्शन 241 एंड 242 ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया कंपनी को किसी रीजन के कारण कि आप अपने ये वाले शेयर्स परचेज कर लो दोबारा से मार्केट से निकाल लो ये शेयर्स तो तो वहां पे भी ट्रिब्यूनल ने ही बोल दिया तो अब कंसेंट की जरूरत नहीं है ठीक है इन ऑल दीज केसेस अगर मैं बात करूं जितने भी केसेस हमने डिस्कस करे यहाँ पे सेक्शन 66 की प्रोविजंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है मतलब ट्रिब्यूनल के कंसेंट ही नहीं लेना तो ट्रिब्यूनल का अगर कंसेंट नहीं लेना तो आगे जो फर्दर इसके अंदर प्रोविजंस होती हैं वो भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की रिडक्शन विद द कंसेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल ठीक है तो सेक्शन 66 गिव्स अ कंपनी कि चाहे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड है। है सकते हैं इन एनी वे ठीक है एक्ट ने कोई भी मैनर नहीं बताया कि किस मैनर में आप रिड्यूस करोगे है ना या फिर कोई मेथड को प्रोहिबिट भी नहीं करा मतलब अपना ही मेथड फॉलो करो अपनी मर्जी से आप कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो कोई मैनर नहीं बताया और कोई मेथड को प्रोहिबिट नहीं करा ठीक है लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है कौन सी हमेशा रिडक्शन करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और दूसरा वो रेजोल्यूशन की कॉपी ट्रिब्यूनल को भेजनी और ट्रिब्यूनल का कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्लियर हो गया ये दो बातों का ध्यान रखना है अब सेक्शन सेक्शन सिक्सटी सिक्स सबसेक्शन वन मैं द फॉलोइंग थ्री मोड्स इन पर्टिकुलर तीन तरीके से कैपिटल को रिड्यूस किया जा सकता है कैसे बाय रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ कैपिटल जैसे कि शेयर टेन रुपीज का था कंपनी एट रुपीज अभी तक कॉल कर चुकी है और जो शेयर होल्डर है उसने पे भी कर दिए एट रुपीज तो कैपिटल कैसे रिड्यूस की जा सकती है जितनी अनपेड कैपिटल है टू रुपीज की उसको वो रिड्यूस कर देगी कि अब आपको ये पैसे पे करने की जरूरत नहीं है

कैपिटल का उतना रिफंड कर देते हैं वो शेयर होल्डर्स को ठीक है तो ये तीन तरीके होते हैं जिसके थ्रू कंपनी रिड्यूस कर सकती है अपनी कैपिटल को लेकिन ये बहुत जरूरी बात है ध्यान से सुनिए कि अगर कंपनी किसी एरियर में है मतलब उसने पहले से शेयर होल्डर्स को को कोई डिपॉजिट कोई इंटरेस्ट पे करना है और अभी तक उसने पे नहीं करा तो वो रिडक्शन नहीं कर सकती कैपिटल पहले वो अपने एरियर्स को क्लियर करे उसके बाद ही वो किसी तरह की रिडक्शन कर सकती है कैपिटल की ठीक है अब क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वैसे तो कोई सच प्रोसीजर नहीं बताया उन्होंने लेकिन कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है ठीक है सबसे पहली बात आपको पता चल गई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है दूसरी इंपॉर्टेंट बात एप्लीकेशन देनी है टू द ट्रिब्यूनल और जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है हम बार बार सिर्फ ट्रिब्यूनल बोलते हैं ना तो पूरा नेम क्या है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसकी सेंशनिंग बहुत जरूरी है ठीक है जब तक वो ऑर्डर को कंफर्म नहीं करेगी तब तक कैपिटल रिड्यूस नहीं करी जा सकती अंडर सेक्शन 66 सब सेक्शन वन तो इसका मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और ट्रिब्यूनल की आ, सेंशनिंग की जरूरत है अब ट्रिब्यूनल करता क्या है आगे जब एक बार ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे दी ठीक है तो ट्रिब्यूनल शेल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन टू तो द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू तो द रजिस्ट्रार टू तो द सेबी टू तो द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी जिस कंपनी ने एप्लीकेशन फाइल करी है कैपिटल को रिड्यूस करने की ठीक है ये सब कुछ किसके लिए होता है केस ऑफ लिस्टेड कंपनी समझ आया मान लो लिस्टेड कंपनी ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी कि मैं कैपिटल रिड्यूस करना चाहता हूं तो इमीडिएटली ट्रिब्यूनल इस बात का नोटिस देगा इन चारों को और अगर इन चारों ने कोई पॉइंट रखा है कि नहीं जी क्रेडिटर्स नहीं फुलफिल कर पाएगी कंपनी लेटर ऑन या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट रखा है जो कि कंसिडर करना जरूरी है तो फिर जो ट्रिब्यूनल है वो उसे कंसिडर करेगा इन द पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस जिस दिन इन चारों को नोटिस मिल गया उससे थ्री मंथस का टाइम होता है कि कोई भी पॉइंट ये लोग रख सकते हैं कि कंपनी को कैपिटल रिड्यूस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और जो ट्रिब्यूनल है वो भी उन चीजों को कंसिडर करेगा ठीक है अब ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वायरिंग दिस सेंशन सेंशन इज थ्री फोल्ड ट्रिब्यूनल का कंसेंट क्यों जरूरी है इसके पीछे तीन कारण होते हैं एक तो क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है ठीक है दूसरा शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है और तीसरा पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। तो तो जब भी भी ट्रिब्यूनल कोई भी सेंशन करेगा, तो वो इन तीनों के पहले इनके बारे में सोचेगा कि इन तीनों में से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा कैपिटल रिड्यूस करने से अगर हो रहा होगा तो वो सेंशन नहीं करेगा परमिशन नहीं देगा कैपिटल को रिड्यूस करने अच्छा अब सबसे पहले बात करते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स ठीक है कहते क्रेडिटर्स ऑब्जेक्टिव रेज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं इफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल जो कैपिटल अभी तक कॉल ही नहीं करी अगर कंपनी उसको रिड्यूस करने जा रही है तो क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं पेमेंट टू एनी शेयर होल्डर ऑफ एनी पेड कैपिटल पेड अप कैपिटल जो ऑलरेडी कैपिटल आ चुकी है अगर कंपनी उसे रिफंड करने जा रही है शेयर होल्डर्स को तो भी क्रेडिटर्स ऑब्जेक्टिव रेज कर सकते हैं या फिर कोई भी जो ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट करता है बात कि हाँ यहाँ पे क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट खतरे में है तो क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं ठीक है लेकिन सिर्फ वही क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं जिनका जिनको कंपनी ने पैसे देने हैं और वाइंडिंग अप के टाइम पे वो प्रूवेबल है कि हाँ इस बंदे को पैसे देने हैं और शॉर्ट में बताऊं तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको पता होंगे कि वाइंडिंग अप के टाइम पे जिनको प्रेफरेंस दी जाती है अगर वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है तो ही वो क्वेश्चन रेज कर सकता है ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है अदरवाइज नहीं कर सकता अच्छा दूसरी बात कि क्रेडिटर के पास कोई हक नहीं है ऐसे एसेट के अगेंस्ट वॉइस रेज करने की जिस एसेट को अगर तो शेयर होल्डर को ना दिया जाए तब भी क्रेडिटर को कोई फायदा नहीं होगा मतलब कोई ऐसा एसेट जिस जिसका जिसको अगर दे भी दिया जाए शेयर होल्डर को तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रेडिटर को तो नो राइट टू ऑब्जेक्ट वेयर नो एसेट उट ऑफ विच देशन को कन्फर्म कर देगा कंडीशन थिंक फिट जो उसको लगेगा दूसरा आता है कि शेयर होल्डर्स की तरफ कैसे वो ध्यान देता है कि उनके इंटरेस्ट के बारे में कैसे सोचता है कहते जो ये स्कीम है रिडक्शन की ये बिल्कुल रीजनेबल होनी चाहिए फेयर होनी चाहिए बिटवीन द क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर शेयर होल्डर्स अलग अलग क्लास के होते हैं ठीक है तो वहां पे रीजनेबल एंड फेयर डिसीजन होना चाहिए ऐसा ना हो जहां पे होल बर्डन सिर्फ एक ही क्लास के ऊपर पड़ जाए ठीक है जैसे कि मान लो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं सारा का सारा बर्डन उनके ऊपर पड़ गया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बच गए तो अगर ऐसा कोई डिसीजन होगा तो ट्रिब्यूनल उसे सेंक्शन नहीं करेगा कि कैपिटल रिड्यूस करने से अगर सारी क्लासेस को इक्वलेंट इफेक्ट पड़ रहा है तभी ट्रिब्यूनल उसको आ, सेंशन करेगा ठीक है फिर क्या होता है फिर इस एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है इस ऑर्डर की रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल विद रजिस्ट्रार कंपनी क्या करेगी कंपनी डिलीवर करेगी ऑर्डर को ठीक है जो भी ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि मान लो ट्रिब्यूनल कंपनी कर, कर कर तो डिलीवर करेगी आर को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को शोइंग द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन कि कितनी अमाउंट की शेयर कैपिटल है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कैसे डिवाइड करे गए हैं और हर एक शेयर की क्या अमाउंट है ठीक है एंड अमाउंट इफ एनी एट दजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी पेड अपर कोई अमाउंट अभी पे अपनी थी ऑन ईचर तो इन शॉर्ट की इस तरह की सारी डिटेल फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा उस ऑर्डर को रजिस्टर कर लेगा ठीक है और रेजोल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग द कैपिटल टेक्स इफेक्ट जिस दिन रजिस्ट्रार ने रजिस्टर कर लिया ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को उस दिन से इफेक्ट में आ जाएगा रेजोल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग द कैपिटल और इसका नोटिस देना है नोटिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन शैल बी पब्लिश्ड इन सच मैनर एज मे बी डायरेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल कंपनी इस नोटिस को पब्लिश करेगी जैसे भी ट्रिब्यूनल कहेगा ठीक है एंड द रजिस्ट्रार शैल सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर एंड द मिन्यूट अंडर हिज हैंड मिन्यूट मतलब होता है कि मतलब जितना छोटी-छोटी बात मिनट्स तो रजिस्ट्रार क्या करेगा रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन को सर्टिफाई करेगा और हर एक ऑर्डर को, को रिकॉर्ड करेगा उसके अंदर ठीक है अब ये जो सर्टिफिकेट है जो रजिस्ट्रार ने रजिस्टर करा है ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस है दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट द रिडक्शन टेक्स प्लेस एज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार क्लियर जिस दिन आर ने सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया रजिस्टर कर दिया ऑर्डर को ट्रिब्यूनल के उस दिन से रिडक्शन टेक्स इफेक्ट क्लियर सो दिस वाज ऑल अबाउट रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्लियर सो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट ऑफ कॉमर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू